देखो, अगर तुम एक हार्डकोर आईपीएल फैन नहीं हो तो तुमको नहीं समझ में आएगा कि इस सीजन में यानी कि ऑक्शन के सीजन में एक आईपीएल फैन के ऊपर कितना दबाव होता है। एक तो वो अपनी टीम के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों से परेशान होता ही होता है, साथ ही में वो अपने दिमाग में बेचारा स्ट्रेटजी भी बना रहा होता है कि उसकी टीम को ऑक्शन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और यही काम हम इस चैनल पर करते हैं। तो ढेर सारी गालियां खाने के बाद, अपने ओपिनियन देकर के बकवास सुनने के बाद एक बार फिर से बेशर्मों की तरह आपके सामने आ गए हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से जुड़ी हुई कुछ और रिपोर्ट, र्यूमर और बड़ी बड़ी बातें लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। बिकॉज आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो मौज तुमको पूरी आने वाली है। और देखो, सबसे पहली अपडेट जो इस समय निकल करके आ रही है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, जहां पर उनके कैप्टन केएल राहुल की तरफ से डील पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है और लखनऊ सुपर जायंट्स में अब वो रुके हैं। इसके इम्कान बिल्कुल ना के बराबर है। रिपोर्ट है कि उन्होंने जो ऑफर दिया गया था लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है एंड ही इज ऑल सेट टू एंटर इन द आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन। कई बार की तरह इस बार भी अपने करियर से एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं केएल राहुल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट में ऑलरेडी वो टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। सो उनको आने वाला समय में काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। बीजीटी में जरूर वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, बट इंडिया की टी20 टीम से भी बाहर हो गए हैं और अब टेस्ट टीम से भी बाहर हो गए हैं, तो उनके स्टेक्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। सो ही नीड अ वेरी बिग आईपीएल सीजन टू स्टेज अ कमबैक, स्पेशली इन द टी20 फॉर्मेट। और ऑक्शन में जाकर के अगर वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर या फिर किसी और टीम में जाते हैं, देन विल हैव टू से वो कैप्टन रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन जहां तक लखनऊ सुपर जायंट्स का सवाल है, ये सफर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सेम कैन बी सेड फॉर श्रेयस अय्यर एज वेल। जहां पर केएल राहुल ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, वहां पर खबर है कि भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम है वो श्रेयस अय्यर पर आंखें गड़ा करके बैठी हुई हैं और उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर भी दिए जा सकते हैं टू ज्वाइन देयर टीम फॉर द आईपीएल 2025। देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को फर्स्ट रिटेंशन बनाने में थोड़ा सा हिचक रहे हैं। उनका मानना है कि यार 18 नहीं, बट अगर हम ऑक्शन में आप आते हो, हमारे पास आरटीएम रहेगा, सो मे बी हम आपको वही 12-14 करोड़, 10-12 करोड़ जो भी हमें मिल जाएगा उस हिसाब से ले लेंगे। क्योंकि श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी उस लेवल की देखो है नहीं, हम कई बार चैनल पर बात भी कर चुके हैं, बट वो एज ए कैप्टन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। 20 का फाइनल ले लो आप, उसके बाद 24 में चैंपियन चल रहा है वो बंदा। इस टाइम आई हैव ऑलरेडी सेड इट बिफोर कि मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा होगा कि कोई डिफेंडिंग चैंपियन अपने कैप्टन को ऐसे रिलीज कर दे एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद। बट है, IPL is a business, that is the way it is. Maybe KKR को लग रहा होगा कि भाई हम उतना पैसा श्रेयस के नाम पे नहीं बना पाएंगे, so who am I to judge? But अगर ऐसा होता है then it will be huge and we'll have to see कि श्रेयस अय्यर कहां पर जाते हैं। And उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ साथ अब पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स भी मैदान में कूद पड़े हैं टू टारगेट ऋषभ पंत फॉर द IPL 2025। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, पंजाब किंग्स के हेड कोच कौन है? रिकी पोंटिंग। जब वो गए थे तब हमने इस पर बात की थी कि भाई पंत और पॉन्टिंग के बीच जो नजदीकियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो एल्यूर कर सकते हैं पंत को टू ज्वाइन पंजाब किंग्स और एटलीस्ट कम इन द ऑक्शन। बिकॉज एक बात कंफर्म है कि पीबीके बहुत बड़े बजट के साथ ऑक्शन में आएगी, मोस्ट लाइकली सबसे बड़े बजट के साथ आएगी। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस हद तक ऋषभ पंत के लिए जा सकते हैं। और अगर लखनऊ सुपर जायंट्स केएल राहुल को रिलीज कर देगी तो उनको भी एक कैप्टन की जरूरत होगी, एक लेफ्ट हैंडर बैटर, विकेट कीपर्स और सारे रोल भी वो फिट करते हैं। सो LSG, PBKS, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, भाई पंत साहब अगर ऑक्शन में आएंगे ना, सबसे महंगे प्लेयर बनने का दावा ठोकेंगे और बहुत सारी टीम उनके पीछे जाने वाली है। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है गुजरात टाइटंस के कैंप से, जहां पर राशिद खान और शुभमन गिल की फोटो साथ में शेयर करने के बाद अब उनके तीसरे सबसे बड़े प्लेयर यानी कि मोहम्मद शामी को क्या वो रिटेन करेंगे, इसकी बहुत ज्यादा बात शुरू हो गई है। मोहम्मद शामी ने भी स्पोर्ट्स तक पे बोला था कि भाई किया तो ठीक है, नहीं किया तो ऑक्शन में जाएंगे, जो ज्यादा पैसा देगा वहां से खेल लेंगे। सो ही इज क्लियर। बट उनकी इंजरी को देखते हुए अभी गुजरात टाइटंस का मामला फंसा हुआ है एंड इट इज स्टिल नॉट कंफर्म दैट ही विल बी रिटेन्ड और नॉट बाय गुजरात टाइटंस इन द आईपीएल 2025। क्योंकि देखो, शामी इज इन हिज मिड 30s नाउ।
किस तरीके की इंजरी है, आते हैं तो कितने लंबे रेस के घोड़े रहेंगे, कितना पैसा उनको रिटेंशन में देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप गिल राशिद के बाद शामी को रिटेन करते हो तो क्या वो 11 करोड़ 12 करोड़ में रिटेन होने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्या आप उन पर इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाओगे। बहुत सारे इफ एंड बट हो जाते हैं जब एक मतलब मिड 30s का फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है, और उनकी इंजरी को लेकर के भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई BGT जाएंगे कि नहीं, दोबारा सर्जरी तो नहीं करानी पड़ेगी, फिट होंगे कि नहीं फिट होंगे। सो बहुत सारे इफ एंड बट मोहम्मद शामी के साथ लगे हुए हैं, और उसी इफ्स में से एक छोटा सा इफ ये है कि वो गुजरात टाइटंस में रिटेन हो, इसकी कोई बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं आती है। और सुबह से यार रोहित शर्मा को लेकर के एकदम से फिर से बवाल मच गया कि भाई पता नहीं किसने सोशल मीडिया पर छेड़ दिया कि वो दोबारा से मुंबई इंडियंस के कैप्टन बन सकते हैं इन द IPL 2025। नाउ लुक, दिस मे और मे नॉट हैपन, बट मेरा काम आप लोगों को रिपोर्ट के साथ साथ थोड़े से बेसलेस र्यूमर्स भी क्लियर करना है। तो देखो, इस खबर में फिलहाल कोई सच्चाई नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ फालतू का र्यूमर है जो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दो। रोहित शर्मा MI में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, ऑक्शन में जाएंगे कैसे जाएंगे, क्या MI के कैप्टन बनेंगे, ऑल वेरिएबल्स एंड सिचुएशंस आर स्टिल ओपन, स्टिल अंडर कंसिडरेशन। रूल्स MI के पास आ चुके हैं, वो रोहित शर्मा को रिटेन अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर लेंगे। आई डोंट सी रोहित शर्मा लीविंग मुंबई इंडियंस राइट नाउ, जैसे मैंने अपने चैनल पर कई बार बोला है, तो इन रिपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। और ऐसी ही रिपोर्ट अगर आप कंफर्मेशन के तौर पर देखना चाहते हो, मतलब जो जेन्युइन रिपोर्ट निकल करके आए, ना कि बेसलेस र्यूमर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। शूट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।